नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रिप्टो माइंडर्स। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों बिटकॉइन के चार्ट की, एनालाइज करेंगे बिटकॉइन के चार्ट को, क्या सिनेरियो बन रहा है बिटकॉइन के चार्ट पर। इसके साथ साथ एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके सामने वाली है जिसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें दोस्तों और कोई भी पार्ट वीडियो का मिस मत करिए। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से हमारा वीडियो। बिटकॉइन अभी ट्रेड कर रहा है दोस्तों 32,000 USDT के ऊपर। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो मैंने बताया था 1 मंथ से BTC 30,000 से 40,000 USDT की रेंज में ट्रेड कर रहा है और बहुत जल्दी एक मेजर मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। और मैं अपनी सभी वीडियो में बोलता आया हूँ, एक और बड़ा डिप हमें मोस्ट प्रोबेबली देखने को मिलेगा। और अगर आप बिटकॉइन के चार्ट को देखोगे तो ऐसा दिख रहा है जल्दी वो डिप आने वाला है, क्योंकि लास्ट दोनों बाउंस बैक जो BTC के चार्ट पर बने हैं दोस्तों, वो दोनों ही बहुत छोटे हैं, उन्हें बाउंस बैक भी नहीं कह सकते अच्छे से। बिटकॉइन पर जितनी बार भी डेथ क्रॉस बना है दोस्तों, उसके बाद एक बड़ा फॉल हमें जरूर देखने को मिला है। और जैसा बिटकॉइन अभी ट्रेड कर रहा है, देखते हुए मैं कह सकता हूँ वो डिप जल्दी ही आने वाला है। बिटकॉइन का जो कंसोलिडेशन है दोस्तों, वो धीरे धीरे नैरो होता जा रहा है और कोई भी बाउंस बैक ज्यादा देर तक टिक नहीं रहा है। अगर आप इसके साथ साथ न्यूज देखें तो बिटकॉइन और क्रिप्टो को लेकर एक से एक अच्छी न्यूज मार्केट में चल रही है। बिग बिलियनर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इसमें इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं। कई कंट्रीज बिटकॉइन को लीगल कर रही है और बिटकॉइन के लिए ATM से ओपन करने की बातें तक चल रही है। इतनी सारी पॉजिटिव न्यूज के बाद भी बिटकॉइन में कोई स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूव नहीं आया है। इससे यही लग रहा है दोस्तों, जो बिग प्लेयर है जिन्हें हम वेल्स कहते हैं, वो मार्केट में एक और फॉल लेकर आ सकते हैं, क्योंकि छोटे इन्वेस्टर की बात नहीं है दोस्तों BTC को मूव करना। इसके साथ साथ बिटकॉइन अपने सपोर्ट रेंज के और क्लोज ट्रेड कर रहा है, जो ये शो कर रहा है बिटकॉइन जल्द ही अपने सपोर्ट को ब्रेक कर सकता है। आपको इस मूव के लिए मेंटली रेडी रहना चाहिए। तो ये था दोस्तों बिटकॉइन प्राइस चार्ट का एनालिसिस। ये मेरा नजरिया है दोस्तों, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, बट ये मेरी रिसर्च है और मेरा एनालिसिस है। क्या पता आपको बिटकॉइन के चार्ट को देखने का कोई अलग नजरिया हो, क्योंकि सभी का एक ही चीज को देखने के अलग अलग नजरिए होते हैं। अगर आपको मेरा ये एनालिसिस अच्छा और रेलिवेंट लगा तो वीडियो को जल्दी से लाइक करिए और कोई क्वेरी है तो कमेंट करिए। अब बात करते हैं मार्केट में आने वाली अपॉर्चुनिटी के बारे में। तो जैसे कि चार्ट के एनालिसिस और पास्ट डाटा के एनालिसिस को देखकर लग रहा है मार्केट में एक और फॉल आ सकता है, तो इसको नेगेटिव देखने की जगह आपको पॉजिटिव देखना चाहिए। हाँ, मैं जानता हूँ जो न्यू इन्वेस्टर है मार्केट में, उन्होंने बहुत ऊपर क्रिप्टो बाय कर रखी है। ऐसा करने वाले आप अकेले नहीं हैं, बहुत से लोगों ने बहुत हाई प्राइसेस पर बाय करके क्रिप्टो बैठे हैं। इसके साथ साथ किसी की पूरी कैपिटल इन्वेस्ट हो चुकी है, जिनके पास अब कोई ऑल्टरनेटिव नहीं बचा है होल्ड करने के अलावा। बट जो अब मार्केट में न्यू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और जिनके पास अभी भी अपनी कैपिटल बची हुई है, उनके लिए ये फॉल एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप बिटकॉइन को फॉलो करते हैं तो दोस्तों, जब भी इसमें बियर रन आया है तो बहुत ही नॉर्मल है इसमें 70 से 80% तक का फॉल देखा जाना। और एक बार जब ये बियर रन कंप्लीट हो जाता है, बिटकॉइन फिर से बहुत तेजी से बुलिश ट्रेंड पकड़ता है और अपने पास्ट हाइज को ब्रेक करता है। नो डाउट जब बिटकॉइन में करेक्शन होती है तब यही न्यूज आती है, क्रिप्टो मार्केट खत्म और एक पैनिक क्रिएट किया जाता है, जिसे मार्केट में सेलिंग बढ़े, उन्हें और ज्यादा नीचे के लेवल पर बाय करने की अपॉर्चुनिटी मिले। ये अपॉर्चुनिटी सभी के लिए क्रिएट होती है, बट बहुत ही कम लोग इसका बेनिफिट उठा पाते हैं। बट इस बार मार्केट में फिर से करेक्शन है और अपॉर्चुनिटी क्रिएट होने वाली है, जिसके लिए आप सभी को तैयार रहना चाहिए, वो भी अभी से, क्योंकि मार्केट में जैसे ही फॉल आएगा मार्केट तेजी से नीचे गिरेगा और जैसे कि हम इंडियन एक्सचेंज को जानते ही हैं, वो क्रैश हो जाएंगे और किसी को मौका नहीं मिलेगा कुछ करने का मार्केट में। डिपॉजिट, बाइंग, सेलिंग सब कुछ बंद हो जाता है GRX पर, तो थोड़ी सी ज्यादा सेलिंग या वॉल्यूम बढ़ने पर। इसलिए पहले से ही आप अपनी मनी को GRX में डिपॉजिट करके रखिए, ताकि आप उस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट उठा सके और डिप पर मार्केट को बाय कर सके। अगर एक्सचेंज क्रैश नहीं हुए, जिसकी संभावना बहुत ही कम है,
वजीरेक्स इंडिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो एक्सचेंज है, बट थोड़ा सा वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हुआ और ये वेबसाइट क्रैश कर जाती है और बहुत बार हम डिप को बाय ही नहीं कर पाते। तो आपको इस बार प्रोएक्टिव रहना है इस अपॉर्चुनिटी के लिए, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको बार बार नहीं मिलने वाली। क्योंकि दोस्तों सभी जानते हैं क्रिप्टो ने कहीं नहीं जाना है, अल्टीमेटली फिर से बुल रन स्टार्ट हो जाएगा। बस पेशेंस के साथ वेट करिए और इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करिए। ये था दोस्तों आज का हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और अपने क्रिप्टो इन्वेस्टर फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। जिसको लगता है ये अपॉर्चुनिटी है वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड लास्ट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।